बहुत बड़े बड़े हमने सपने देखे थे इस कंपनी में आने के टाइम पे। अब हमें तो लग रहा है वो सैलून ही अच्छा था जहाँ से हम निकल कर आए। इन्होंने आज हमें गधे घोड़ों की तरह घुमा दिया। कड़ी धूप में जोर जोर से अपनी हक की आवाज उठाती ये महिलाएं होम सर्विस देने वाली अर्बन कंपनी से जुड़ी हुई हैं। अर्बन कंपनी इन महिलाओं को कर्मचारी न मानकर पार्टनर्स की श्रेणी में रखता है, इसलिए इनका वेतन, भत्ता, काम करने के घंटे कुछ भी तय नहीं है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। इस टाइम पे पहले टारगेट था 30 का, फिर धीरे धीरे 60 का किया गया, फिर हमारी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी गई। सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट करके शाम के 7:30 बजे तक का काम का स्लॉट इन्होंने दे दिया है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है पूरे स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ही। बट उसमें जैसे हम लेट नाइट काम करते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं तो उसका कोई हमारा एक्स्ट्रा बनता नहीं है। आज मैं अर्बन क्लैब में आई थी तो अपना फ्रीडम देखने के लिए तो आई थी, उसी बच्चे के लिए आई थी, उसी परिवार के लिए आई थी कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ। अब हमें तो लग रहा है वो सैलून ही अच्छा था जहाँ से हम निकल कर आए। इन्होंने आज हमें गधे घोड़ों की तरह घुमा दिया। और बाकी दूसरा ये रहता है कि जैसे हम कस्टमर्स का कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो कंपनी उस पर प्रेशराइज करती है कि आप कहीं से भी अरेंज कर लो, लेकिन आप ये बुकिंग ले लो। ठीक, दूसरा अगर हमें कोई भी परेशानी कस्टमर के घर पे होती है तो उसके लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं है हमारे पास। कोई हम कॉल भी करते हैं तो अगर बाय चांस कोई कॉल लग भी जाए तो उसमें हमें सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि माफ़ी चाहेंगे, हम आपकी परेशानी को आगे पहुंचा देंगे, आपकी 24 घंटे तक आपके पास कॉल आ जाएगी या हम आपकी परेशानी को आगे पहुंचा देंगे। और बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम पे डबल डबल पेनल्टीज इस टाइम पे लग रही हैं। जैसे कोई भी अगर छोटी बुकिंग से ही हम लें, 600 रुपये की हमारी बुकिंग है और हमें वो किसी वजह से घर के किसी काम से कैंसिल करनी पड़ गई या कोई पर्सनल इशू हो गया तो 600 रुपये की बुकिंग पे हम 800 रुपये तक की पेनल्टी हम पर लग जाती है आराम से। एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग नोबडी गेट्स यू नो अ हार्ड कॉपी ऑफ गाइडलाइंस, नोबडी गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आस्क्ड टू गिव देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स फिल्ड बाय द कंपनी यू नो सेल्स और व्हाटएवर ऑनबोर्डिंग टीम एंड दे आर आस्क्ड टू जस्ट साइन अ डॉक्यूमेंट, राइट? दे आर नॉट इवन गिवन एनी टाइम टू रीड दिस डॉक्यूमेंट। एंड व्हाट दैट डज इज दैट इट क्रिएट्स अ कंप्लीट लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस of these systems and then women start experiencing these very ad hoc penalties. It's not just that there's no awareness, it's that many of these penalties are very unjustified. There are new rating systems that are added every you know couple of months. ये rating का क्या system कर रखा है इन्होंने? 50 जो bookings करेंगे ना average उसको लेके चलते हैं ये। अगर जो 50 बुकिंग्स करने के बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई जाती है, अगर जो हम एक क्लाइंट अगर जो हमें 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार देता है ना उसको तुरंत नीचे गिरता है, 5-7 तुरंत नीचे गिरा देती है, यानी कि उसके बाद हमें रीट्रेनिंग के तुरंत बोला जाता है आपकी रेटिंग गिर चुकी है, आप रीट्रेनिंग के लिए आओ। अब क्या सिस्टम कर रखा है उन्होंने रीट्रेनिंग में, प्रोडक्ट अपना लाइए, कन्वेंस भी अपना लगा के आइए, 10 दिन दीजिए, सारा टाइम वेस्ट, हमारे घर कुछ आएगा नहीं, ना हम कमा पाएंगे, अपना पैसा भी फूकेंगे, अपने प्रोडक्ट भी फूकेंगे। कोविड आया, कोविड आने से पहले इनकी अर्बन कंपनी हो गई, अर्बन कंपनी में आने के बाद इन लोगों ने हमारे साथ क्रेडिट की भी प्रॉब्लम कर दी, इन्होंने हमारे साथ प्रेशर कर दिया कि आप दिन में इतनी जॉब करोगे, इतनी लीड करोगे, और महीने का इन्होंने टारगेट कर दिया 50-50 टारगेट करने के बाद ना इन्होंने कहा कि अगर आप 50 जॉब नहीं करोगे तो आपकी 2000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अब लड़कियां क्या करेगी, अब कोविड का भी समय, अपने घर परिवार को भी देखना, और कोविड में लड़की कितना भागेगी, कैसे भाग सकती, नहीं भाग सकती ना। इनों का टारगेट था कि 30 दिन में हमको 50 जॉब करनी है एक महीने में, ठीक है 30 दिन होते हैं, 30 दिन में हमें 50 जॉब का इन्होंने टारगेट दिया, अगर ये 30 जॉब हम नहीं करते तो ये 2000 की पेनल्टी हमसे लेते ही लेते हैं, चाहे हम उसमें काम कर पाएँ, चाहे हमारी चाहे कोई तबीयत भी क्यों ना ख़राब हो, फिर भी ये पेनल्टी हमसे चार्ज करते ही करते हैं। अब लड़कियां देखो मैम कोविड के टाइम पे लड़कियां कैसे काम करेगी? सो यू हैव दिस न्यू मेट्रिक कॉल्ड रिस्पांस रेट एंड देन देयर आर पेनलाइजेशंस ऑन दैट और देयर आर प्रेशर्स पुट ऑन वुमेन। यू नो द मोमेंट यू हैव अ मेट्रिक इट बिकम्स अ वे फॉर द कंपनी टू टेल वुमेन दैट दे आर नॉट एज गुड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ यू नो द फ्लीट ऑफ पार्टनर्स, राइट? दे डोंट एक्चुअली हैव द फ्रीडम देन टू चूज द वर्क दे वॉन्ट टू डू विद द फ्लेक्सिबिलिटी दैट दे वॉन्ट। एंड यू हैव टू रियलाइज दैट every time there is a relationship of power there is some kind of imposition that happens, you know, like there is no free will here
So the rating system, the opaque kind of like systems that drive these penalties that people are not aware of. Some of these penalties are just absolutely horrible, I would say. There's no way to justify them. I would like to see the company try to justify them. And the third thing, of course, is, you know, a lot of these women are separated, or they are mothers as well, right? They juggle a lot of work at home with their family and this, right? Any kind of policy that the company has should take into consideration that reality. यहाँ पर जैसे भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमारी कोई आईडी ब्लॉक हो जाए या फिर हम कहीं कंप्लेन भी करें या ऑफिस भी जाएं जाकर कंप्लेन करते हैं अपनी, तो हमारी सुनवाई कोई होती नहीं है, जिसके लिए हम ऑफिस में जाके बात भी करके आए हैं। कई बार हमने 10-10 लड़कियाँ भी गई हैं कि हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है या कोई परेशानी है या कोई भी चीज़ है, तो कंपनी की तरफ से ना तो इसके लिए कोई हमारे लिए बैठा हुआ है, ना ही कोई सुनवाई होती है। बस हमें सिर्फ ये बोल दिया जाता है, हाँ ठीक है हम देखेंगे, बस इतना ही बोल करके हमें वहाँ से भेज दिया जाता है। हालांकि बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अर्बन कंपनी ने 14 अक्टूबर को जारी किए अपने एक ब्लॉग में महिलाओं की मांगों पर अपनी राय रखी है और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है।